जब वो छूट जाएगा तो हम चले जाएंगे। उसी के पास जाओगे? हाँ, वो तो छूटेगा ना, ये लंबा चला गया। तब भी हम 18 साल के हो जाएंगे तो चले जाएंगे। राउआ और वो महेंद्र पांडे मिलके तो एकदम एक लाइफ बेकार कर देला सर। वो खुद कहले बेकार है। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पढ़ लिख कर कुछ बनो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा उस समय। ठीक है, महेंद्र ही चाहिए। हाँ, गरीबी इतना आगे बाकी अपना लड़की के बेच दे ना, इतना गरीबी है। इस समय इस बच्ची को जहाँ फेरा जाएगा, दिमाग जिस तरफ घुमाया जाएगा उधर ही घूम जाएगा, वही ये करने लगेगी। महेंद्र पांडे के द्वारा यही किया गया सत्यनीति, और वहाँ से जांच पड़ताल के बाद यहाँ पर आ चुकी है। और जो महेंद्र पांडे थे वो इस समय पॉक्सो एक्ट उस पर धारा लगाया गया है, कई तरह की धाराएं लगी है, इस समय जेल में चला गया है। सकते हैं जो संध्या यही बगल के विद्यालय में पढ़ती थी, यहाँ से 100 कदम की दूरी पर इसका विद्यालय है, और उम्र इसका जन्म तिथि है 2012। कल हम लोग वहां पर गए थे विद्यालय में, हेडमास्टर के द्वारा वहां पर जांच भी किए थे इसके बारे में। इसका हेडराइटिंग आप लोग देख सकते हैं, गजब की हेडराइटिंग है। हेडमास्टर के द्वारा बताया जा रहा था ये पढ़ने में काफी तेज क्लास में थी, 6th स्टैंडर्ड में थी, और मार्च से स्कूल में जाना बंद कर दी थी। और उसके बाद जो टीचर थे आकर बात करने लगे कि आपकी लड़की नहीं आ रही है, और मार्च से ही महेंद्र के द्वारा ले जाकर शादी कर लिया गया है। और इस समय आरोप लग रहा है, वैसे मास्टर साहब से भी बात हुआ, मास्टर साहब भी बोल रहे हैं कि सब दोष संध्या की माँ की है, पढ़ने में इतना तेज है लड़की, और इसको बाला फुसला कर या पैसे लेकर बेच दी, या वो बाला फुसला कर लेकर चला गया, उसके बाद गलत काम किया। और यहाँ पर देख सकते हैं एक 11 साल की बच्ची का मानसिक दिमाग कितना विकास किया होगा, ये आप भी समझ सकते हैं। इस समय इस बच्ची को जहां फेरा जाएगा, दिमाग जिस तरफ घुमाया जाएगा उधर ही घूम जाएगा, वही ये करने लगेगी। महेंद्र पांडे के द्वारा यही किया गया। कहानी आप लोग जानते ही है। बाबू अब कैसा लगा था? माइक लगे आगे बाबू बोला। स्कूल में इतना तुम तेज थी, पर तुम्हारा राइटिंग भी बहुत अच्छा, तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है, हेडमास्टर साहब भी बोल रहे हैं। अच्छा बताइए का है बेचू? हेडमास्टर साहब कहता रहा कि उसकी माँ की ही सब गड़बड़ी है, वही बेची है। मान ली एक मिनट रउआ कहीं इन्हें उन्हें ना ले जाती, इनके से ना मिलवाती, उनसे ना मिलवाती, ये तो राहुल लड़की भी या सुंदर भी या का है इनका करता नहीं। तो हम गरीबी इतना आगे बाकी अपना लड़की के बेच दे ना, इतना गरीबी है इनके खाते, गरीबी अगल बात गरीबी नहीं है इनके खाते, हम बेच दे बनी ठीक बा। वैसे गांव में भी कल मैं पूरा पूछताछ किया, गांव के लोग भी कई बता रहे थे कि सब घटनाक्रम जो घटित हुआ है मम्मी के द्वारा किया गया है। मम्मी जो है वही पैसे की लेन देन के चक्कर में अपनी बेटी को लेकर इधर उधर जाती थी। बाबू ये बात सही है? सही 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 बताओ बाबू। ये बस उनके ही घर लेकर गए, उनके ही घर लेकर, मतलब वहीं पर ले जाती थी, खुशबू के घर जाते थे, खुशबू के। बाबू अब ठीक बाबू, पढ़ाई लिखाई कर, अब पढ़ाई करोगी? अब नहीं, अब क्या करोगे बाबू, क्या करोगे बोलो? कुछ भी नहीं, घर रहोगे? हाँ। और उसका साथ छोड़ोगी महेंद्र पांडे का? नहीं, वो तुमसे बहुत बड़ा है बाबू। इस समय देख सकते हैं इसके दिमाग पर इतना महेंद्र पांडे के द्वारा टॉर्चर किया गया है, दिमाग को इतना सम्मोहित किया गया है कि इस समय बस महेंद्र पांडे कर रही है। अवृद्ध है 45 साल का, और उसके द्वारा इतना सम्मोहित कर लिया गया है जैसे बच्ची को, और इस समय ये बोल रही है कि वो निकल कर आएगा तो उसी के साथ रहूंगी, पढ़ाई भी नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, माँ के भी साथ नहीं रहूंगी। माँ के साथ रहोगी? इस टाइम रहेंगे। और कब कब तक रहोगी? जब वो छूट जाएगा तो हम चले जाएंगे। उसी के पास जाओगे? हाँ। वो तो छूटेगा ना, ये लंबा चला गया। तब भी हम 18 साल के हो जाएंगे तो चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? उसके पास जाएगी। बाबू बाबू पढ़ाई करोगी या महेंद्र का इंतजार करोगी? बाबू पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करोगी? शाबाश, अपना दिमाग बदलो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, पढ़ लिख कर कुछ बनो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल जाएगा उस समय। ठीक है, हमको अच्छा लड़का महेंद्र ही चाहिए। हाँ। ना चाहिए महेंद्र, कभी जिंदगी में ना चाहिए, ये कोई तो नहीं, कभी ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर महेंद्र के द्वारा इतना टॉर्चर किया गया है, सम्मोहित कर लिया गया है माइंड को, और आपका भी दोष है, आप सब मिलकर इसकी जिंदगी खराब कर दी है। इस समय ये फंस चुकी है, जो इतना अच्छा पढ़ने में तेज थी, हम लोग स्कूल में भी गए थे, जो इसके विनोद सर है हेडमास्टर साहब, इसका इतना बड़ाई कर रहे थे, बोल रहे थे क्लास में सबसे तेज थी पढ़ने में, परीक्षा का टाइम आया उसी समय घर से भाग गई थी, परीक्षा नहीं दे पाई थी, 6th स्टैंडर्ड में थी। अगर ये पढ़ाई पीरियड में होती, आप इसको रास्ता नहीं दिखाई होती, महेंद्र पांडे इसके लाइफ में नहीं आया होता, तो शायद इस समय इसके दिमाग में कुछ और चलता। बतियावे रही तो हम कभी जाए देती ना जाए देती, बतौल रही बात करते हमें बतियावे, हमें बतियावे चाहिए।
अब यहाँ पर देख सकते हैं बाबू चलिए अब देखते हैं समय जैसे गुजरेगा वैसे इसका दिमाग भी बदलता जाएगा।